दोस्तों इस फिल्टर कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें कि आपको प्रॉपर तैयारी करके रखनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अगर आप देख रहे हो ये सारे सामान मेरे पास पड़े हैं, तो यहाँ पर ये पोटा फिल्टर है और ये इसकी बकेट है छन्नी, और यहाँ पर ये टैपर है, ठीक है। ये सब क्या यूज़ करेगा मैं बताऊँगा, और यहाँ पर ये कॉफ़ी है। और दोस्तों यहाँ मैं टाटा ग्रैंड की फ़िल्टर कॉफ़ी यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैंने इस डब्बे में भर लिया है। और यहाँ पर शुगर है, शुगर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। और यहाँ पर देखेंगे आपको मिल्क है, मिल्क दिख जाएगा। और यहाँ पर एक कप रखा है मैंने। और दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें पानी डालेंगे। और दोस्तों आप कोशिश करना जो भी वाटर यूज़ करना वो फ़िल्टर वाटर यूज़ करना, बिकॉज फ़िल्टर वाटर यूज़ करने से क्या होगा कि उसमें जो पानी के मिनरल्स वगैरह होंगे वो कम होंगे, तो पाइप जो है ना वो ब्लॉक चांस है कम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना कि इसके अंदर पानी भर लेना। यूज़ कर रहा हूँ मर्फी रिचर्ड की कॉफ़ी मशीन जिसमें लगभग 500 ml तक पानी आ जाता है, कोई बात नहीं। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है जैसे मान लो ये भर गया, कोई बात नहीं, उसको भी निकाल देंगे। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर गया है अगर आप चाहो तो इस पाइप के थ्रू से यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। इसको कम कर लेना और इसको नॉब को क्लोज कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा पानी जो था इसको मैंने निकाल लिया है, यहाँ अगर आप देख पाओ लिड को क्लोज कर देंगे प्रॉपर, इसके दिया हुआ है कैसे इसको क्लोज करना है यहाँ देख सकते हो। तो ये एकदम टाइट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद देन क्या करेंगे, पावर सोर्स को लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 6 एम्पीयर का प्लग है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा, ठीक है। तो इसको ऑन कर लेना है, मशीन को सीधे कर लेना। मशीन हमने ऑन कर दी, उसके बाद आपने एक ये टॉवल या कुछ इस तरह का कपड़ा ले लेना है, वो मैं दिखाऊंगा क्या यूज़ इसका आएगा। अब कुछ नहीं, 2 से 3 मिनट इसका वेट करना है, अभी ये हीट हो जाएगा। और दोस्तों इस मशीन में एक ये है कि ये इंडिकेशन नहीं देता है कि ये गर्म हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। एटलीस्ट 3 मिनट तो लग ही जाते हैं, 3 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। जब तक ये हीट हो रही है हम इसमें फिल्टर में कॉफ़ी डाल लेते हैं पाउडर, ठीक है। बकेट को इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर रखेंगे इसकी हेल्प से। अभी फ़िलहाल मैं 2 कप कॉफ़ी बना रहा हूँ, एक अभी पीऊँगा, तो इसको इतना ले लेते हैं, ठीक है। इस बकेट में डाल देते हैं, तो ये हमने इसमें डाल दिया। दोस्तों इसको टैप ज़रूर करेंगे, और यहाँ पर इस टैपर की मदद से यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको टैप कर देना है खूब टाइट से, बहुत प्रेशर से मैंने नहीं किया था, देख सकते हो इस तरीके से इसको टैप कर देना है। ये मैंने अच्छे से टैप कर दिया, उसके बाद जो भी थोड़े बहुत इस पर लग गए इसको साफ़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पोटा फिल्टर को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। फर्स्ट आप इसको देखें अगर आप यहाँ तो नीचे के पोर्शन में यहाँ पर इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, तो यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने इतना टाइट कर दिया है प्रॉपर। और मिल्क में अगर आप शुगर लेते हैं तो अपने हिसाब से आप शुगर डाल दीजिएगा, और मिल्क कोशिश करेंगे ठंडा मिल्क लेंगे ताकि अच्छे से मिल्क फ्रॉथ हो सके, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसका क्राफ जो है वो अभी इस पर है नहीं, टूट गया है क्रैफी जो है, तो इसके लिए मैं यहाँ ये कप यूज़ करूँगा। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगा, ठीक है। और अभी ये हीट हुआ कि नहीं हुआ इसको ऑन करने से पहले आप यहाँ पर प्रेशर चेक कर लेना, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, तो जब भी आप इसका यूज़ करो तो एक कप ले लेना और यहाँ से इसको खोल के देख लेना, आवाज़ आ रहा है, प्रेशर अभी देख लेना, इसमें देखो पानी आ रहा है। तो ये पानी की जगह जब इसमें भाप आने लगेगी तो इट मीन्स कि ये रेडी हो गया है। फिलहाल अभी 1-2 मिनट और लगेगा, 1 मिनट के लगभग। इसको प्रॉपर चेक कर लेना है कि जब तक इसके अंदर उसमें स्टीम ना आने लगे, वरना कॉफ़ी जो है ना आपकी एकदम पानी जैसी हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों हमारी मशीन प्रॉपर हीट हो गई, स्टीम भी प्रॉपर तैयार हो गई है, तो अब हमने क्या करना है, इस नॉब को हमने यहाँ पे कर देना है ताकि हमारी जो कॉफ़ी है थोड़ी सी डार्क होगी, यहाँ पर करोगे तो लाइट हो जाएगी। मैंने कॉफ़ी को एक्सट्रैक्ट कर दिया है,
इसको यहाँ पर किया था मैंने, डार्क कॉफ़ी एकदम एक्सट्रैक्ट करी है, तो जैसा कि यहाँ अगर आप देख सकते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 2 की जगह 3 कप कॉफ़ी आराम से बन जाएगी लाइट, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इसको बंद करने के बावजूद भी काफ़ी यहाँ पे टिप टिप गिरती रहती है, तो जी हाँ दोस्तों वो गिरेगी, बिकॉज इस पोटा फिल्टर के अंदर में थोड़ा सा जो कॉफ़ी होता है ना उसमें से प्रॉपर तरीके से छन नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ड्रिप होकर निकलती रहती है, और यही वजह है कि यहाँ पर ये ड्रिप ट्रे दी होती है। किसी भी कॉफ़ी फिल्टर मशीन में आप देखोगे तो ये ड्रिप ट्रे दिया होता है, और वाटर इस तरह से ड्रॉप करना ये आम है, नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है कोई भी मशीन हो। तो चलिए हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो जो मेरी स्टीम है वो प्रॉपर तैयार हो गई है, अब इसमें पानी एक भी नहीं निकलेगा, ठीक है। दोस्तों इसको हाथ लगाने की कोशिश मत करना, बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। तो ये देखो अभी जो है इसमें वाटर नहीं आया, इट मीन्स कि ये मेरा रेडी है, और एक बूंद आएगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब आप चाहो तो इस पर आप मिल्क फ्रॉथ कर लो, या तो डायरेक्ट मिल्क फ्रॉथ करके कॉफ़ी अलग से डाल दो, या फिर कॉफ़ी इसके अंदर में डाल के फिर मिल्क फ्रॉथ करो। तो जनरली तो मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी दूध में डाल के उसके बाद फ्रॉथ करता हूँ, ठीक है। ये देखो कॉफ़ी हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसमें ज़्यादा मुझे नहीं डालना, थोड़ा सा डाल दूँगा बस, इतने से मेरी ये कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। और मैं लाइट पीता हूँ तो अभी यहाँ पे ये देखो इतने से 2 कप बन जाएगी, और ये देखो ये ड्रॉप हो रहा है ना, तो ये कॉमन है, इसके लिए घबराया मत करो, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कप है तो यहाँ लगा दो। चलो अब हम इसको फ्रॉथ करते हैं, तो ये कॉफ़ी हमने इसके अंदर डाल दी है, अब इसको हम डायरेक्ट मिल्क फ्रॉथ करेंगे। मिल्क फ्रॉथ करने के लिए यहाँ से मैं इसको खोल दूँगा और इसको थोड़ा अंदर लगा दूँगा, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो ये प्रॉपर मिल्क फ्रॉथ हो रहा है, और भी मैं सिर्फ हीट कर रहा हूँ, फ्रॉथ नहीं कर रहा, झाग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। वो तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखो मिल्क फ्रॉथिंग ऊपर तक आ रही है, दिखा। मैं चाहूँ तो इसको बहुत ऊपर तक ले सकता हूँ, ठीक है। ये देखो कितनी ज़्यादा मिल्क फ्रॉथ हुई है, ये देखो। अब दोस्तों इस कपड़े का क्या रोल था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको साफ कर लेना है, ये देखो, वरना आपका इस पे ये कभी छूटेगा नहीं, ये देखो। और एक बार स्टीम को रिलीज कर देना है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से प्रॉपर साफ कर लेना है, ये क्लीन हो गया। अगर इसको क्लीन नहीं करोगे तो ये जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार स्टीम को रिलीज कर देना है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। यहाँ देखो देख सकते हो कितनी ज़्यादा फ्रॉथ है।